आबाद हुए प्राचीन शहर का नाम है उगरीत, जो सीरियाई बंदरगाह लताकिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। साल 1929 में उगरीत से 1 किलोमीटर दूर अलपायदा नाम की जगह पर एक किसान को खेत में हल चलाते हुए कुछ मिट्टी की पट्टी मिली, जो प्राचीन उगरीत साम्राज्य की थी। इसके बाद यहाँ खुदाई शुरू की गई, जहाँ बर्तन सहित पुरातात्विक अवशेष मिले। इन्हीं मिट्टी के टैबलेट पर 3000 साल पुराने सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। एक एक्सपर्ट इस पर लिखते हैं कि 11 महीने की अमावस्या के दिन 6वें घंटे में सूर्य अस्त हो गया। इस दौरान रेशभ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया। उगरीत विद्वान मानते हैं कि रेशभ शब्द का इस्तेमाल मंगल ग्रह की मौजूदगी के तौर पर किया जाता है। टैबलेट में पूर्ण सूर्य ग्रहण का स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन उकेरे गए चिन्ह इसकी ओर इशारा करते हैं, जिसकी दूसरी तरफ लिखा था खतरा। तो 1200 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य का अचानक पतन शुरू हो गया। कुछ का मानना है कि ऐसा समुद्री लुटेरों की वजह से हुआ, कुछ इसे अकाल और भुखमरी बताते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उगरीत साम्राज्य भी बर्बाद हो गया। उगरीत में हुई घटना को दुनिया के पहले सूर्य ग्रहण के रूप में भी देखा जाता है। असल में मेसोपोटामिया से लेकर सनातन तक कई प्राचीन संस्कृतियों में ग्रहण शुभ अशुभ और देवी क्रिया के तौर पर देखा जाता है। नासा के मुताबिक उगरीत सूर्य ग्रहण 5 मार्च 1223 ईसा पूर्व को हुआ था, जिसे दुनिया का पहला सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। फिलहाल धरती पर 18 महीने में कहीं न कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है, जिसे लोग अब भारी संख्या में देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। भारत में अगला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 21 मई 2031 को देखा जा सकेगा।